वेल, रॉयल इनफील्ड पिछले 1-2 सालों से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है, अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। एक के बाद एक 2 साल के अंदर जो है बहुत सारे मॉडल को रॉयल इनफील्ड ने रिसेंटली लॉन्च करा है। उसके बाद एक और नया लॉन्च करा है, लाइक ये रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो दूंगा, कंप्लीट एक वॉक अराउंड भी बताऊंगा, और एक्स शोरूम से क्या आके और कितने से शुरू होती है, क्या वेरिएंट आता है, वो सब आपको मिलेगा। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है आविष्कार एक्सपो के वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जैसे कि ये क्लासिक 350 अभी हमारे पास जैसे कि सिर्फ 2 वेरिएंट ही यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन चेंजेस क्या है वो मैं आपको बता दूँ। लाइक 7 कलर इंट्रोड्यूस करे गए हैं रॉयल इनफील्ड के तरफ से। उसके अलावा उसके अंदर 300+ कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। मतलब आप इसके जो है मडगार्ड, फ्यूल टैंक, कुछ भी आप जो है अपने हिसाब से कलर, आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप चेंज करा सकते हो। लाइक अगर कॉन्सेंट्रेट करें यहाँ पे, तो एक क्लासिक जो है आपको कंप्लीट क्रोम में है, ये कंप्लीट टॉप एंड वेरिएंट है। अच्छा, एक्स शोरूम में आपको बताता हूँ स्टार्ट कितने से हो रही है। 1.99 लाख से शुरू होकर 2.30 लाख पे ये खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें और क्या अपग्रेड किया गया है, मतलब कुछ तो अपग्रेड ऐसा है जो आपको खास कर आपको पसंद आने वाला है। लाइक इंजन प्रोफाइल आपका वही है, लाइक 20 BHP और 27 Nm वाला टॉर्क वाला सेम टू सेम है क्लासिक का, कोई चेंजेस नहीं है। बट इसमें ऐड क्या किया गया वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि इसमें जो है सबसे पहले इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसमें आपको थोड़ा सा छोटा सा एक चीज ऐड कर दिया गया। इसमें आपको गियर इंडिकेशन मिल जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो नया आपको जो है हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट जो है रिफ्लेक्टेड LED पैनल मिलते हैं, वही सुपर मीटियोर में जो अवेलेबल है, और उसके बाद जो है गरीला वगैरह में जो अवेलेबल है, आपको सेम जो है हेडलैम्प मिलता है जिसका लाइट थ्रो काफी सुंदर है। उसके अलावा अगर बात करें तो इसके जो आप इंडिकेटर देख रहे हो, चाहे इसका जो है पायलट लैंप देख रहे हो, ये सारे अब जो है LED में हो चुके हैं। इनफैक्ट इसका टेल लैंप भी LED में हो चुका है। अब मैं आपको इसका एक क्लोज लुक दिखाऊंगा, जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग थोड़ा नजदीक से पता चल जाएगा, तो आपको भी समझने में इजी होगा। जैसे मैंने आपको बताया, हेड लैंप इसका जो है कंप्लीट जो LED में हो चुका है, इंजन वही है, बाकी ये क्रोम वाली है, ये टॉप एंड वेरिएंट है, ये सेकंड टॉप वेरिएंट है ब्लैक में। उसके अलावा इसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसे चेंजेस नहीं है जो आपको पता ना चले, बस इसके जो है कलर जो है आपको इतने सारे आपको मिलते हैं ऑप्शन, वो आप जो है देखते देखते बोर हो जाओगे। आप अपने व्हीकल के लिए कौन सा कलर सजेस्ट करोगे वो आपको बस सोचने की देरी है, आपको वो कलर जो है आपके व्हीकल में अवेलेबल हो जाएगा। इसका एम्बलम है, इसमें भी कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। उसके बाद ये सारे ट्रिम, ग्राफिक्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मैंने आपको बताया कोई मेजर चेंज नहीं है, बट यहाँ पे आप गौर करोगे तो गियर इंडिकेशन का एक जो है यहाँ पे आ गया है, इको के बाद गियर 0 यहाँ पे दिख रहा है, न्यूट्रल यानी है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा चीज ऐड कर दिया गया, नेविगेशन के लिए, ये भी एक अच्छी अपडेट है जो कि रॉयल इनफील्ड में काफी दिनों से जो है क्लासिक में सबको चाहिए था। उसके अलावा ब्लैक कलर भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसमें भी आपको वही सेम टू सेम ही फीचर है, कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है। AA जो पहले जो आती थी वो सारी चीज़ है, सारे इंडिकेटर और टेल लैम्प जो है कंप्लीट जो है LED में कन्वर्ट हो चुके हैं। और उसके अलावा ऐड जो किया गया है, इसके जो क्लचेज हैं, जो कि क्लच और ब्रेक लीवर है, ये सारे जो है एडजस्टेबल है, जिसकी वजह से आप जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, एक लेंथ को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, इट मीन कहने का मतलब है। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो बाइक में चेंजेस किए गए हैं, इसे कॉस्मेटिक चेंज बोलेंगे, कोई ऐसा जो है फेसलिफ्ट या कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं है, कॉस्मेटिक चेंज किए गए 2-4 चीज जो कि अभी के लिए क्लासिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी। और अब ये नई नवेली जो क्लासिक जो है कुछ दिनों में आपको जो है रोड पे भी जो है दिखना शुरू हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। इनफैक्ट मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल करके अपने शहर के लिए जो है लाइक ऑन रोड प्राइस पता कर सकते हो। अगर टेस्ट ड्राइव स्लॉट बुक करने का है आप उस नंबर पे कॉल करके वो भी कर सकते हो, या अगर कोई फर्दर क्वायरी करनी है जो मैंने मिस अगर कर दिया तो वो भी आप जो है इस कॉल करके नंबर पे पूछ सकते हो। ओवरऑल अगर देखा जाए व्हीकल जो है दोनों जो है ज़बरदस्त है, ये क्लासिक को मेंटेन करती है, ये थोड़ा सा जो है आपको एक अग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है, जिससे आपको जो है ओल्ड वाली वाइब आएगी, इससे थोड़ा सा यंग वाला फील आएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई प्लान कर रहा है लेने के लिए क्लासिक, स्पेशली क्लासिक 350 RE की, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हो, काफ़ी हेल्प भी होगी इससे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।